क्यों सैलरी नहीं मिलती आपको? नहीं सैलरी नहीं मिलती, मिलती भेज तो राजस्थान रोडवेज में नहीं कटते वो? हाँ तो किराया तो फिर नहीं मिलेगा, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं मिलेगा। नमस्कार, राम राम, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हो जलको हरियाणा। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में बदमाश और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पांव में गोली लगी है, जिसे बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आरोपियों को पकड़ने में फिलहाल टीमें जुटी हुई है। गौरतलब है कि बीते 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की पोलिंग के दौरान फरीदाबाद 79 विधानसभा स्थित भारत कॉलोनी के एक भाजपा कार्यकर्ता रजनीश, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, उनको आरोपी बदमाश ने गोली मार दी थी। उसी समय घायल बदमाश के साथ एक अन्य आरोपी भी मौजूद था। दोनों एक बाइक पर नकाब बांधकर आए और भाजपा कार्यकर्ता को गोली मारकर सीधा फरार हो गए। दोनों टीमें फिलहाल आरोपी को पकड़ने में जुटी है और जांच में जुटी है। आरोपी ने पुलिस पर भी फायरिंग की है। आपको बता दें कि बीते कल शाम क्राइम ब्रांच 65 को आरोपी मनीष के बारे में कुछ सूचना मिली थी कि वह जाजरू और केली गांव के आसपास मौजूद है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच 65 की टीम आरोपी मनीष पुत्र प्रताप सिंह को पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन आरोपी मनीष ने पुलिस पर ही सीधा फायरिंग कर दी। पुलिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 2 राउंड फायरिंग किए, जिसके चलते एक गोली CIA इंचार्ज की छाती में जा लगी। गनीमत रही कि जागविंद्र ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और इसके चलते गोली उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। वहीं जवाबी क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 राउंड फायरिंग भी सामने से करे, जिसमें आरोपी मनीष के पांव में गोली लगी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम से काबू कर लिया। फिलहाल घायल का फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। हरियाणा की एक महिला पुलिसकर्मी का वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो राजस्थान रोडवेज की बस में सफर कर रही हैं, लेकिन किराया नहीं दे रही हैं। पुलिसकर्मी का कहना है कि वो किराया नहीं देंगी क्योंकि बस में पुलिस का किराया लगता ही नहीं है, जबकि बस का जो कंडक्टर है वो कह रहा है कि बस में सफर करना है तो टिकट तो लेना ही होगा। अन्य यात्री भी पुलिसकर्मी से किराया देने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी महिला पुलिसकर्मी किराया नहीं देती है। पुलिसकर्मी कहती है कि वर्दी में होने पर भी किराया दूंगी क्या मैं। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं। वायरल वीडियो में क्या कुछ है आपको बताते हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि राजस्थान रोडवेज की बस में हरियाणा महिला पुलिसकर्मी सफर कर रही है। ये वीडियो हरियाणा में रेवाड़ी के धारूखेड़ा के आसपास की बताई जा रही है, क्योंकि महिला पुलिसकर्मी धारूखेड़ा तक ही यात्रा करने की बात कर रही हैं और यात्रा कर भी रही है। इसके अलावा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो महिला अटेली से जो है बस में चढ़ी होगी, क्योंकि बस का कंडक्टर धारूखेड़ा तक का उससे 50 रुपए किराया मांग रहा है। बस में अटेली से धारूखेड़ा तक के 50 रुपए का ही टिकट लगता है, किराया लगता है। इस किराये को लेकर बस कंडक्टर और महिला पुलिसकर्मी के बीच काफी लंबी चौड़ी बहस हो रही है। बस कंडक्टर लगातार टिकट कटवाने के लिए पुलिसकर्मी को कह रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी उससे बार बार टिकट न देने की बात कर रही है, पैसे न देने की बात कर रही है। इस बीच कुछ यात्री भी महिला पुलिसकर्मी से टिकट लेने के लिए कहते हैं। कंडक्टर बस भी रुकवाकर साइड करवा देता है, इसके बाद भी पुलिसकर्मी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। यात्रा करोगे तो लगेंगे, यात्रा करेंगे तो लगेंगे, कोई नहीं दे दो क्या? अरे भाई हरियाणा में चलते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कैसे चलेगा? हरियाणा चलता है, ये राजस्थान रोड है भाई, हरियाणा में चलती है तो हरियाणा में चलती है ना, तो हरियाणा में वो हरियाणा जब आएगा नहीं इसका तो मैं बात करूंगी। भाई साहब डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नियत खराब होती है। कोई बात नहीं, नियत लाओ जल्दी दो भाई, जब फिर अफसर आएगा मैं बात करूंगी। उतर लो या तो उतर लो, यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना भाई, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता, नहीं दूंगी। ना ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, और लेडीज जा रही है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है किराया देना पड़ेगा, खड़ी रखनी जहाँ ले चलनी वहाँ ले चल ना, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा वरना नीचे उतरना पड़ेगा। नहीं मिलेगा, या तो नीचे उतरो या किराया दो। नहीं उतरूंगी। क्यों भाई, क्यों सैलरी नहीं मिलती आपको? नहीं सैलरी नहीं मिलती, सैलरी कटते हाँ भेज तो राजस्थान रोडवेज में नहीं कटते वो? कोई बात नहीं, नहीं कटते तो हरियाणा के, हरियाणा में कटते हैं, लाओ के तो कटेगी। अरे हम और लेट हो रहे हैं, आप लाओ जल्दी करो, किराया देना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते आप, या तो नीचे उतर लो, हाँ तो किराया लगेगा। कर दे भाई साइड में खड़ी कर दे, हाँ साइड में खड़ी कर दे। मैडम ये कौन सी बात है, सब साइड में कर दे, या तो आप वर्दी में किराया दे दो, वर्दी में होकर किराया लेगा,
सारे स्टाफ के हैं, ये सारे स्टाफ के हैं, स्टाफ के तो ठीक है, तो आप नीचे उतर रहे हैं, तो वर्दी बैठे 50 रुपए कैसे कर रहे हो? नीचे नहीं उतरूंगी मैडम, आधे से 32 स्टाफ बैठे हैं यहाँ, आप अपने लिए तो सारी बस अलग कर दो, एक जो बंद करवा दी, कितने कितने दूर जाने, मैंने कोई बंद नहीं करवाई, मैंने कोई बंद नहीं, आपकी वजह से हुई है, आपकी वजह से हुई है, वर्दी में कभी पूरी बस 50 रुपए लिए ऐसा करवाते हो? कोई बात नहीं, क्या महकमे में हुआ? हाँ महकमे में ही है, सारा महकमा ही बैठा है, उतर लो नीचे, उतर लो, कोई दिक्कत नहीं, उतरना नीचे, हाँ तो किराया तो फिर नहीं मिलेगा, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं मिलेगा, कंप्लेंट करो ना, झलको। झलको।